प्रणाम सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री प्रकाश ग्रंथ गुजराती के प्रकरण 37 की 15 तक की चौपाइयों का पाठ किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दे, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर कर दें। सुंदर साथ जी, अब तक जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जुवे जागीता तेहज ताल, दया करी काढ़ो तत्काल, माया नीता एह सनंद, निर्मल नेत्रे थैये अंध। मार्कंडेय मुनि जागृत होकर देखते हैं तो वही समय तथा वही सरोवर का किनारा है। उसी क्षण भगवान ने दया कर उन्हें माया के आवरण से बाहर निकाला। माया की तो यही रीति है, निर्मल दृष्टि वालों को भी वह अंधा बना देती है। एणी पेरे अमने रहो सन अंदेश, ते राखे नहीं धनी लवलेश, ते माटे वली आसुपन, इच्छाए की धू उत्पन। इस प्रकार रासलीला के बाद परम धाम में जागृत होने पर भी हमारी कुछ इच्छाएं शेष रह गई। धामधनी इन इच्छाओं को भी शेष रहने नहीं देना चाहते थे, इसीलिए पुनः इस स्वप्न के तीसरे ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। अखंड थयो काल माया तणो, अंदेश भाजवाने आपणो, केटलिक ने उत्कंठा रही, ते माटे सर्वने आगना थई। हमारी इच्छा पूर्ण करने के लिए काल माया का ब्रह्मांड यानी व्रज की लीला अक्षर के चित्त स्वरूप सबलिक ब्रह्म में अखंड कर दिया, किंतु इतना होने पर भी तामसी सखियों की दुख देखने की इच्छा शेष रह गई, इसीलिए सब सखियों को तीसरे ब्रह्मांड में आने की आज्ञा हुई। ब्रह्मांड माहे आवियो एह, मन तना भाजवा संदेह, साथ माहे एक सुंदर बाई, तेणे श्री राजे दीदी बढ़ाई। मन की आकांक्षा पूर्ण करने के लिए हम सब इस ब्रह्मांड में आ गए। ब्रह्मात्माओं से सुंदर बाई को श्री राज जी ने बड़प्पन प्रदान किया। आवेश अंग आपी आधार, दैतातम उगाड़िया बार, घर थकी वचन लई आविया, तेता सुंदर बाई ने कहया। अपने अंग स्वरूपा श्री सुंदर बाई को श्री राज जी ने अपनी आवेश शक्ति दी, तारतम ज्ञान देकर परम धाम के अखंड सुखों का द्वार खोल दिया। वे स्वयं अखंड परम धाम से तारतम के वचन लेकर आए और सुंदर बाई को ये वचन कहे। सात वचन सांभलिया एह, वासनाए की धामूल सनेह, ते माहे एक इंद्रावती, कहवाणी सहुमा महामती। सतगुरु के पास से सुंदर साथ ने वे वचन सुने और वे उनसे मूल परम धाम का जैसा ही प्रेम करने लगे। उन सुंदर साथ में से एक इंद्रावती की आत्मा थी जो सब में महामती कहलाई। आर्तम अंग थयो विस्तार, उदर आव्या बुध अवतार, इच्छा दया ने आवेश, एणे अंग की दो प्रवेश। इंद्रावती के अंग से तारतम ज्ञान का विस्तार हो गया तथा अक्षर की जागृत बुद्धि उनके अंतःकरण में समा गई। इच्छा दया तथा श्रीराज जी का आवेश ये सब मिलकर इंद्रावती के अंग में समाहित हो गए। एणी पेरे भाज्यो संदेह,
समझ्या सहुए वात जो एह वचन विस्तारिया विवेक तेने मली रस थयो एक। इस प्रकार सब सुंदर सात का संदेह दूर किया। सब सुंदर सात ने उपयुक्त बातों का तथ्य समझा। विवेक के साथ उन वचनों का विस्तार हुआ और सब तारतम अक्षर की बुद्धि, धनी जी की इच्छा, दया, श्यामा जी की आत्मा, धनी जी का जोश मिलकर एक रस हो गए। साथ मली ने थई जागणी, हर क्यों साथ ने रमिया धनी, ए चारे लीला की दी सही, पण जागणी तो अति मोटी थई। तारतम ज्ञान के प्रकाश में सुंदर सात की सामूहिक जागनी हुई, जिससे सुंदर सात हर्षित हुआ और अपने धनी के साथ लीला करने लगा। इस प्रकार ताम धनी ने सुंदर सात के साथ चार लीलाएं की। उन चारों में जागनी लीला महत्वपूर्ण मानी गई। इहां साथ ने थयो उल्लास, कहो न जायते विलास, ए जागणी ना सुख केणी पेरे कहिए, जाने श्री धाम मा बैठा छिए। यहाँ सुंदर सात के अंग प्रत्यंग में उत्साह उभर आया। इस आनंद विलास का वर्णन नहीं हो सकता है। इस जागनी लीला के सुखों की प्रशंसा कैसे करूं? ऐसा अनुभव हो रहा है मानो हम परम धाम में बैठे हैं। मली साथ वातो हरखे करी, जीवी रामत जेने चित धरी, एम करता दृष्टे आव्यु धाम, केहना मन मा रही न हाम। समस्त सुंदर सात ने एकत्रित होकर प्रसन्न चित से परस्पर बातें की, जिसे जैसी रामत का अनुभव हुआ उसने उसी को चित में धारण कर लिया। इतने में उन्हें परम धाम दृष्टिगोचर होने लगा। इस प्रकार किसी के मन में किसी भी प्रकार की इच्छा शेष नहीं रही। पछे साथ उठीने बैठा थया, एहो वचन आगल थी कहया, इंद्रावती कहे उठ से अक्षर, लई आनंद पोता ने घेर। इसके बाद सुंदर सात जागृत होकर परम धाम में बैठ गए। उपरोक्त लीला की कथा मैंने पहले से ही कही है, अर्थात भविष्यवाणी की है। इंद्रावती कहती है कि अक्षर ब्रह्म भी आनंद मंगल पूर्वक परम धाम के प्रेम और आनंद का अनुभव कर अपने घर अक्षरधाम में जागृत होंगे। प्रकरण 37 चौपाई 1064। श्री प्रकाश ग्रंथ गुजराती संपूर्ण, कुल प्रकरण 84 चौपाई 1971। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री प्रकाश ग्रंथ गुजराती का पाठ पूर्ण होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। प्रणाम जी।